वेलकम टू द जीके ट्रिक्स विद प्रणव। तो आज के सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे आईबीपीएस पीओ मेंस के डिस्क्रिप्टिव के बारे में। डिस्क्रिप्टिव में लेटर कैसे लिखना है और ऐसे कैसे लिखना है, फॉर्मेट क्या होता है, कितने वर्ड्स लिमिट है, टाइपिंग टेस्ट है, तो क्या ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ें आपको समझ लेनी है। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा जीके ट्रिक्स विद प्रणव को, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन है उस पर भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग फॉर बैंक एग्जाम्स, आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जाम। तो देखिए कितने क्वेश्चन आते हैं। एक ऐसे लिखना होता है आपको, लिखना मतलब टाइप करना होता है, और एक लेटर टाइप करना होता है, लेटर और एक ऐसे लेटर, इनफॉर्मल या फिर फॉर्मल। आपको 5 टॉपिक दिए रहेंगे ऐसे के लिए और 5 टॉपिक दिए रहेंगे लेटर के लिए, उनमें से एक एक चूज करना है और एक ऐसे एक लेटर टाइप करना है। देखिए मैक्सिमम मार्क कितने रहेंगे, 25 मार्क्स मिलेंगे आपको लेटर और ऐसे लिखने के लिए, और टाइम अलॉटेड होगा सिर्फ 30 मिनट्स। जैसे ही आपका मेंस एग्ज़ाम जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है वो ख़त्म होता है, उसके तुरंत बाद ही ये टाइपिंग टेस्ट शुरू होती है। ये आपको ध्यान में रखना है, अलग से नहीं होती है। जैसे आपका मेंस एग्ज़ाम ख़त्म होता है एमसीक्यू का ऑब्जेक्टिव टाइप, उसके तुरंत बाद ही ये एग्ज़ाम चालू होती है। तो पैटर्न आपको समझ में आ गया है। अब डिस्कस करेंगे लेटर का फॉर्मेट कैसा होता है। देखिए तो पहले देखेंगे फॉर्मल लेटर का। फॉर्मल मतलब जो भी आप ऑफिस ऑफिशियल लेटर लिखते हैं तो उसे कहते हैं फॉर्मल लेटर। कोई भी आप बैंक को लेटर लिख रहे हैं या फिर स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हैं या फिर कोई भी ऑफिस को लिख रहे हैं तो उसे कहते हैं फॉर्मल लेटर। तो देखिए फॉर्मेट क्या होता है। सारा आपका लेफ्ट अलाइन होना चाहिए, जो भी आप टाइप कर रहे हैं वो लेफ्ट अलाइन होना चाहिए। लेफ्ट मतलब बाई ने ओर। तो देखिए सेंडर्स एड्रेस सबसे पहले होता है, सेंडर्स एड्रेस मतलब अगर आप लेटर सेंड कर रहे हैं तो आपका एड्रेस, मान लीजिए मैं प्रणव हूँ और मैं किसी बैंक को एसबीआई को लेटर सेंड कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल प्रणव एसबीआई को लेटर सेंड कर रहा है, तो सेंडर्स एड्रेस मतलब मेरा प्रणव का एड्रेस आ जाएगा पहले लिस्ट में। सेकंड लिस्ट में आएगी डेट। डेट आपको मेंशन करनी है, जो भी आपकी एग्ज़ाम की डेट रहेगी, मेंस की एग्ज़ाम की डेट, वही आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। ये ध्यान में रखना है कि जो आपके मेंस के एग्ज़ाम की डेट रहेगी वही आपको इधर टाइप करनी है। अगर उन्होंने स्पेसिफाइड डेट दी है तो आपको वो टाइप करनी होगी, लेकिन अगर उन्होंने कोई डेट नहीं दी है तो आपको मेंस के एग्ज़ाम की जो डेट है वही टाइप करनी है। नेक्स्ट देखिए रिसीवर्स एड्रेस, थर्ड लाइन में होगा। रिसीवर्स एड्रेस मतलब देखिए जैसे मैं बैंक को लेटर सेंड कर रहा हूँ तो रिसीवर मतलब बैंक का एड्रेस आ जाएगा थर्ड लाइन में। फोर्थ इसमें देखिए क्या आता है, सब्जेक्ट ऑफ लेटर। सब्जेक्ट ऑफ लेटर तो आपको क्या करना है, स्पेस एक लाइन का स्पेस देना है और सब्जेक्ट ऑफ लेटर मतलब आपके लेटर का सब्जेक्ट क्या है, आप किस लिए लेटर लिख रहे हैं, आपके लेटर का पर्पस क्या है। मान लीजिए मैं लेटर लिख रहा हूँ कि मेरे चेकबुक ख़त्म हो गई है और मुझे चेकबुक घर पर बुलानी है, तो इसके लिए मैं लेटर लिख रहा हूँ, तो ऐसा सब्जेक्ट आपको लिखना होगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट लाइन में है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है, सैल्यूटेशन मतलब जैसे आप लिखते हैं मिस्टर मिस या फिर कोई भी सैल्यूटेशन जो रहता है उसे कहते हैं, वो होगा आपका 5th लाइन में। नेक्स्ट देखिए आप क्या है, बॉडी ऑफ द लेटर इंट्रोड्यूसिंग इंट्रोडक्शन मेन कंटेंट एंड कंक्लूजन। बॉडी ऑफ द लेटर इंक्लूडिंग इंट्रोडक्शन मेन कंटेंट एंड कंक्लूजन। तो कोई भी लेटर लिखते वक्त आपको 3 पैराग्राफ में वो लिखना है, ध्यान से सुनिए, 3 पैराग्राफ में वो लिखना है। तो पहले पैराग्राफ में क्या आएगा, इंट्रोडक्शन आएगा, आपके जो सब्जेक्ट है आपको किस बारे में क्वेरी करनी है या फिर किस बारे में ये लेटर है, तो उसका इंट्रोडक्शन आएगा पहले पैराग्राफ में। सेकेंड इसमें आएगा मेन कंटेंट, जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा उसका मेन कंटेंट आएगा सेकेंड पैराग्राफ में, और थर्ड पैराग्राफ में आएगा कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब थर्ड पैराग्राफ में आपको ये लेटर एंड करना है। आखिर में आप लिखेंगे योर्स फेथफुली या फिर योर्स सिंसियरली, और नाम आपको नहीं लिखना है, एक्स वाई जेड ही लिखना है। तो देखिए जब तक आपके क्वेश्चन में कोई मेंशन स्पेसिफिक नाम मेंशन नहीं है, अगर उन्होंने कोई नाम नहीं दिया है, मान लीजिए प्रणव अमन ऐसे कुछ नाम नहीं दिया है, तो आप योर्स फेथफुली में जो भी लेटर का सेंडर है उसका नाम एक्स वाई जेड ए बी सी ऐसे करके ही लिखेंगे। कोई भी नाम आपको नहीं लिखना है अनलेस उन्होंने बताया हो तो। अगर उन्होंने कोई स्पेसिफाइड नाम बताया है तो आपको वही मेंशन करना होगा। तो यही है फॉर्मेट फॉर द फॉर्मल लेटर,
फिर से एक बार बताता हूँ। देखिए फर्स्ट इसमें आएगा सेंडर्स एड्रेस, मतलब जो भी लेटर सेंड कर रहा है, जो भी लेटर लिख रहा है उसका। सेकंड इसमें आएगा डेट, डेट आपको जो कि एग्ज़ाम की डेट है वही मेंशन करनी है, अगर उन्होंने स्पेसिफाइड डेट नहीं दी है तो। मेंस एग्ज़ाम की जो डेट है वही आपको मेंशन करनी है। थर्ड इसमें रहेगा रिसीवर्स एड्रेस, मतलब जिसको भी आप लेटर सेंड कर रहे हैं उसका एड्रेस, कोई ऑफिस या फिर जो भी बैंक वगैरह जो भी है उसके रिसीवर का एड्रेस। नेक्स्ट इसमें आएगा सब्जेक्ट ऑफ लेटर, लेटर का सब्जेक्ट क्या है। नेक्स्ट इसमें आएगा सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन मतलब रिस्पेक्टेड सर मैडम ऐसा करके, या फिर मिस्टर मिसेस ऐसा करके आप कॉमा करना है और बाद में लिखना है। नेक्स्ट लाइन में बॉडी ऑफ इंट्रोडक्शन, देखिए बॉडी में क्या लिखना है, पहले पहले पैराग्राफ में आएगा इंट्रोडक्शन, आपका सब्जेक्ट किस बारे में है, सेकेंड इसमें आएगा मेन कंटेंट, और थर्ड इसमें आएगा कंक्लूजन। आपको लेटर सिर्फ तीन पैराग्राफ में लिखना है, ज़्यादा पैराग्राफ्स भी नहीं बनाने हैं। आखिर में आएगा देखिए और योर्स फेथफुली लिखना है, और एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड मतलब जो भी आप लेटर लिखने वाला है उसका नाम, उसका नाम नहीं लिखना है, अगर उन्होंने मेंशन किया है तो ही कोई नाम लिखना है, नहीं तो एक्स वाई जेड ए बी सी ऐसे करके लिखना है। अब देखिए फॉर्मेट फॉर इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर के लिए फॉर्मेट क्या है, तो देखिए इसमें आएगा रिसीवर्स एड्रेस। इनफॉर्मल लेटर मतलब आप जो भी अपने कोई भी ऑफिस को नहीं लिखते हो, अपने भाई बहन को या फिर रिलेटिव को ऐसे कोई लेटर लिखते हो तो उसे कहते हैं इनफॉर्मल लेटर, कोई भी नॉन ऑफिशियल लेटर उसे कहते हैं इनफॉर्मल लेटर। तो देखिए रिसीवर्स एड्रेस आएगा पहले लाइन में, सेकंड इसमें आएगी डेट। डिफरेंस देखिए फॉर्मल लेटर में आता है सेंडर्स एड्रेस, फॉर्मल लेटर में आता है सेंडर्स एड्रेस, लेकिन इसमें सेंडर्स एड्रेस नहीं आता, इसमें डायरेक्टली आता है रिसीवर्स एड्रेस, उसके बाद में आता है डेट, फिर आएगा सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में आप डियर माई डियर ऐसे करके आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि है इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर में आप जनरली अपने कजिन्स को, भाई बहन को या फिर अपने रिलेटिव्स को ऐसे लेटर लिखते हैं। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट इसमें आएगा बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट से ओरिएंटेड है। मान लीजिए आप अपने भाई बहन को दिवाली के लिए ग्रीटिंग्स भेज रहे हैं, दिवाली की शुभकामनाएं भेज रहे हैं, तो इसमें आ जाएगी बॉडी ऑफ द लेटर में कि जो भी आपके सब्जेक्ट का मैटर है, दिवाली की शुभकामनाएं वगैरह, अब दिवाली की छुट्टियों पे घर पे आ रहे हो नहीं आ रहे हो ऐसे करके फॉर एग्जांपल लिखना है। लास्ट में आएगा देखिए योर्स सिंसियरली, इसमें आप योर्स लविंगली वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि ये इनफॉर्मल लेटर है, इसमें कोई भी वर्ड्स का बैरियर नहीं होता है। इनफॉर्मल लेटर्स में वर्ड का बैरियर नहीं होता है, लेकिन फॉर्मल लेटर में आपको वर्ड ध्यान से यूज़ करना होता है, फॉर्मल लेटर में वर्ड्स आपको ध्यान से यूज़ करना होता है। देखिए योर्स लविंगली, योर्स सिंसियरली से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं आप, और आखिर में लिखना है ए बी सी। अगर नाम मेंशन नहीं किया है क्वेश्चन में तो आपको ए बी सी एक्स वाई जेड ही लिखना है, अगर उसमें नाम मेंशन किया है किसने सेंड करना है तो ही आप उसका नाम लिखेंगे। मान लीजिए लेटर में लिखा है कि प्रणव अपने कजिन्स को लेटर लिख रहा है तो आप तभी लिखेंगे कि योर्स सिंसियरली, योर्स लविंगली प्रणव, वरना एक्स वाई जेड ए बी सी ऐसे करके लिखेंगे। आई होप आपको लेटर के दोनों फॉर्मेट समझ में आ गए हो। अब देखेंगे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या है लेटर लिखते हो। तो देखिए मेक श्योर दैट योर कंटेंट इज़ लेफ्ट अलाइंड वाइल राइटिंग, इसका मतलब क्या है, आपका जो कंटेंट है, आपका जो सारा मैटर है लिखने वाला, टाइप करने वाला, वो सारा लेफ्ट अलाइन होना चाहिए। उसके बाद में देखिए इंश्योर प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन सैल्यूटेशंस डेट सब्जेक्ट एड्रेसेस, तो जो स्टार्ट में आप एड्रेस सैल्यूटेशन और डेट लिखते हैं तो उसमें प्रॉपर स्पेसिंग होना चाहिए, वो एक ही लाइन में दिखना चाहिए, एक ही अलाइन में दिखना चाहिए। नेक्स्ट देखिए डू नॉट मिस आउट द सैल्यूटेशन और द ग्रीटिंग, डू नॉट मिस द सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग। तो देखिए सैल्यूटेशन जो होता है, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, मिस्टर मिस, ये आपको मिस नहीं करना है, ये लिखना ही है क्योंकि इस पर से आपके मार्क्स काउंट होते हैं, इस पर से आपके मार्क्स काउंट होते हैं, अगर आपने ये मेंशन नहीं किया तो आपके मार्क्स डिडक्ट भी होते हैं। एक और आपको बता दूं, जब भी आप एड्रेस लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, मान लीजिए आप लिख रहे हैं अंधेरी मुंबई, अंधेरी मुंबई, तो उसके साथ में आपको उसका पिन कोड मेंशन करना ज़रूरी है, पिन कोड मेंशन करना ज़रूरी है। पिन कोड आप कोई भी टाइप कर दीजिए, मान लीजिए 444222, ऐसे मैंने 6 डिजिट पिन कोड मेंशन कर दिया। अब एग्जामिनर जो है, जो भी आपका चेक करेगा, वो ये नहीं चेक करेगा कि ये पिन कोड मुंबई का है या नहीं है, आपको सिर्फ 6 डिजिट पिन कोड लिखना है, सिर्फ 6 डिजिट पिन कोड लिखना है, वो चेक नहीं करेगा कि ये मुंबई का है, दिल्ली का है, कहाँ का है, आपको सिर्फ वो फॉर्मेट के अनुसार
बराबर आना चाहिए। पिन कोड कितने डिजिट का रहता है? 6 डिजिट का। तो आपको एड्रेस लिखना है, एड्रेस के साथ में पिन कोड लिख देना है। ध्यान में आई मेरी बात? तो आपको टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ आपका फॉर्मेट बराबर होना चाहिए, सिर्फ आपका फॉर्मेट बराबर बराबर होना चाहिए, इस पर से आपको मार्क्स मिलते हैं। अब नेक्स्ट देखिए क्या और इंस्ट्रक्शंस है। तो फॉर्मल लेटर्स में क्या होता है, आप रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम और सिंपली सर मैडम ऐसे करके स्टार्ट कर सकते हैं इन केस ऑफ फॉर्मल लेटर्स। और इनफॉर्मल लेटर्स के वक्त आप डियर, हेलो ऐसे करके भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने जैसे आपको बताया था, इनफॉर्मल लेटर्स में वर्ड का कोई बैरियर नहीं होता है, लेकिन फॉर्मल लेटर्स में आपको वर्ड्स ध्यान से यूज़ करने होते हैं, उसमें रिस्ट्रिक्शंस होते हैं आपको, क्योंकि आप लेटर ऑफिस को सेंड कर रहे होते हैं। फॉर्मल लेटर कोई भी आप ऑफिशियल लेटर सेंड कर रहे होते हैं, इसलिए आपको वर्ड्स का ध्यान से यूज़ करना होता है। नेक्स्ट देखिए, इन द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ऑफ योर लेटर ट्राई टू गिव द जिस्ट और प्राइम रीजन फॉर राइटिंग द लेटर। इसका मतलब क्या है, आपका जो पहला पैराग्राफ रहेगा इंट्रोडक्शन का, तो उसमें आपको जो लेटर का मेन रीजन है, प्राइम रीजन है, उसे मेंशन करना है। उससे क्या होता है, आपके लेटर में क्या लिखा है वो आपके पहले पैराग्राफ से ही समझ में आ जाता है। तो आपके मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप प्रॉपर राइटिंग से लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में ही आप सब्जेक्ट जो है आपका लेटर का मैटर जो है वो लिखेंगे, तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए, एंड देन स्टार्ट विद द मेन बॉडी ऑफ लेटर। तो सेकेंड पैराग्राफ में आपको क्या करना है, मेन बॉडी मतलब आपका जो भी सब्जेक्ट का मैटर है वो पूरे डिस्क्रिप्शन में लिखना है। मान लीजिए अगर आप कोई बैंक को लेटर लिख रहे हैं, आप सीनियर सिटीजन है और सीनियर सिटीजन बैंक में जो बहुत बड़ी लंबी लाइन लगती है उसके रिगार्डिंग कोई लेटर लिख रहा है, तो वो मेन मैटर में डिटेल में आएगा सेकंड पैराग्राफ में। लेकिन इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में क्या आएगा कि लेटर रिगार्डिंग जो भी आपकी बड़ी लाइन लग रही है उसके उसके रिगार्डिंग वो आएगा इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में। और तीसरा पैराग्राफ जो रहता है कंक्लूजन का पैराग्राफ, तो उसमें आप लिखेंगे बैंक, मान लीजिए आप बैंक के मैनेजर को लेटर लिख रहे हैं, तो आप इसकी व्यवस्था कीजिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए एक अलग लाइन लगवाइए, ऐसा करके आएगा थर्ड पैराग्राफ मतलब कंक्लूजन के पैराग्राफ में। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पहले पैराग्राफ में आएगा इंट्रोडक्शन, सेकंड में इसमें आएगा मेन बॉडी, और थर्ड इसमें आएगा कंक्लूजन। अब देखिए आखिर में जो होता है, तो उसे कैसे लिखना है लेटर के आखिर में। तो कंक्लूजन के वक्त आप जो लिखते हैं योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, सिंसियरली योर्स, तो ये फॉर्मल लेटर्स के वक्त लिखना है, फॉर्मल लेटर्स के वक्त। और योर्स लविंगली वगैरह आप इनफॉर्मल लेटर्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, मेक श्योर दैट यू डू नॉट राइट योर नेम इन द लेटर। मैंने जैसे आपको बताया था, आपका नाम आपके उस लेटर में नहीं लिखना है, नहीं लिखना है। ट्राई टू प्रेफर ए बी सी और एक्स वाई जेड, आपको ए बी सी या फिर एक्स वाई जेड ही प्रेफर करना है। योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, योर्स लविंगली के बाद में ए बी सी एक्स वाई जेड ही प्रेफर करना है। अगर एग्जाम में कोई स्पेसिफाइड नाम आपको पूछा है, स्पेसिफाइड नाम दिया है, प्रणव ने ये लेटर किसको लिखना है, एक्स वाई जेड ने ये किसको लेटर लिखना है, तो अभी आप उसका नाम, उस व्यक्ति का नाम मेंशन करेंगे, नहीं तो आप ए बी सी एक्स वाई जेड ही मेंशन करेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इस पर से भी आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। देखिए फॉर्मल लेटर्स के लिए कुछ टॉपिक्स क्या है, आप ये टॉपिक्स कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो राइट अ लेटर टू द ब्रांच मैनेजर ऑफ योर बैंक टू कंडक्ट अ कैंपेन इन योर एरिया टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ केवाईसी। तो आप अपने बैंक के ब्रांच मैनेजर को लेटर लिखिए और उसे कैंपेन करने के लिए बोलिए, जो कि कैंपेन अवेयरनेस क्रिएट करता हो बेनिफिट्स ऑफ केवाईसी का। केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर जो होता है, जिसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बैंक को देने होते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, तो उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अपने ब्रांच मैनेजर को, बैंक मैनेजर को लेटर लिखिए। यह है फॉर्मल लेटर का पहला टॉपिक, इस पर से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और लेटर टाइप करके प्रैक्टिस कीजिए। देखिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लेटर आपको लिखना नहीं है, टाइप करना है। आपको जो एग्ज़ाम के बाद में तुरंत टाइप करते आना चाहिए, आपका प्रेजेंस प्रेजेंस ऑफ माइंड उतना होना चाहिए। तो आपको इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टाइपिंग की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना आपको ज़रूरी है। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल देखिए, आप इस पर भी प्रैक्टिस करते हैं फॉर्मल लेटर की। तो राइट अ लेटर टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, आपको सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी को लेटर लिखना है, सजेस्टिंग स्टेप्स टू मेक अ पुलिस डिपार्टमेंट मोर अप्रोचेबल। देखिए पुलिस डिपार्टमेंट को मोर अप्रोचेबल होने के लिए आप कुछ स्टेप्स सजेस्ट कीजिए, ऐसा एक
लेटर आपको लिखना है सुपरिटेंडेंट को, तो इस पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए इनफॉर्मल लेटर्स के टॉपिक्स क्या हो सकते हैं, आप इस पर भी प्रैक्टिस कीजिए। देखिए लेटर टू योर यंगर सिबलिंग्स स्टार्टिंग इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी डाइट एंड रीजंस फॉर अवॉइडिंग जंक फूड। तो आप अपने यंगर सिबलिंग्स को जो है, अपने यंगर ब्रदर्स या फिर सिस्टर्स को लेटर लिखिए और उन्हें बताइए हेल्दी डाइट का इम्पोर्टेंस क्या है और जो जंक फूड होता है बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह उसके खाने के दुष्परिणाम क्या है, उसके खाने से कैसे अवॉइड करना चाहिए जंक फूड खाने से। तो ऐसा लेटर अपने सिबलिंग्स को लिखिए। ये हो गया पहला टॉपिक। सेकंड टॉपिक देखिए, राइट अ लेटर टू योर यंगर सिबलिंग्स हु हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड वर्किंग टू नॉट टू टेक मच स्ट्रेस एट वर्क। तो देखिए अपने यंगर सिबलिंग्स को या फिर ब्रदर सिस्टर को लेटर लिखिए और उसे बताइए कि अपने वर्क में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। जिसने रिसेंटली वर्क स्टार्ट किया है तो उसे बताइए कि वर्क में कैसे स्ट्रेस नहीं लेना है, वर्क को कैसे एंजॉय करना है, इसके बारे में अपने ब्रदर या फिर सिस्टर को लेटर लिखिए। तो ये हो गए इनफॉर्मल लेटर्स के टॉपिक्स। आप इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स, टाइपिंग की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए और आपके वर्ड्स और जो फॉर्मेट है लेटर का वो भी प्रॉपर होना चाहिए, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। एक बात बता दूँ फ्रेंड्स कि इसमें आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं, 25 out of 25 मार्क्स भी देते हैं, 25 out of 25 मार्क्स भी आपको मिलते हैं अगर आपका सब प्रॉपर फॉर्मेट में रहा तो। नेक्स्ट देखिए, इंडियाज इकोनॉमिक स्लो डाउन, यह है एसे के लिए टॉपिक्स। तो एसे का फॉर्मेट कैसे रहेगा, पहले एसे भी आपको तीन पैराग्राफ में लिखना है, तीन पैराग्राफ। पहले इसमें रहेगा इंट्रोडक्शन, सेकंड में रहेगा मेन बॉडी और थर्ड में रहेगा कंक्लूजन। तीन पैराग्राफ लेटर में, तीन पैराग्राफ एसे में। तो देखिए कुछ टॉपिक्स मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, इस पर आप प्रैक्टिस कीजिए। इंडियाज इकोनॉमिक स्लो डाउन। नेक्स्ट देखिए, जम्मू एंड कश्मीर का JNK बिकमिंग यूनियन टेरिटरी। तो JNK बिकमिंग यूनियन टेरिटरी, जो आर्टिकल 370 हटा दिया गया है तो उसके बाद में अब JNK जो है यूनियन टेरिटरी से, JNK जो पहले स्टेट था अब बना है यूनियन टेरिटरी, तो इसके बारे में आपको ऐसे लिखना है। नेक्स्ट देखिए, टेक्नोलॉजी जायंट्स एंड देयर न्यू रेगुलेटरी, इसके बारे में आप एक ऐसे लिख सकते हैं। और डिजिटल पेमेंट्स इश्यूज़ इन इंडिया, तो इंडिया में जो आप डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने जा रहा है तो उसमें क्या इश्यूज़ है, इसके बारे में आप ऐसे लिखिए। तो ऐसे चार पाँच टॉपिक पर आप ऐसे लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए। फ्रेंड्स आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टाइपिंग की, क्योंकि आप तब तक अपने एग्ज़ाम्स में आसानी से नहीं लिख पाएंगे, नहीं टाइप कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको इसमें पूरे मार्क्स मिल सकते हैं, 25 out of 25 भी मिल सकते हैं, आप स्कोरिंग कर सकते हैं। देखिए आपको अगर मेंस में बाकी सेक्शन में थोड़े बहुत कम भी मिलते हैं, जैसे DI का सेक्शन हो गया या फिर रीजनिंग का सेक्शन हो गया कि और सेक्शन में कम भी मिलते हैं, लेकिन आप इसमें स्कोर करके अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं, इसमें स्कोर करके आप अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं, ये आपकी ट्रिक हो गई। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा फ्रेंड्स, GK ट्रिक्स विद प्रणव को, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पर जरूर प्रेस कर देना और इसकी लिंक कॉपी करके अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप पर। स्टडी करते रहिए। थैंक यू।